नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ड्राइवर लोको पायलट जो कि अभी ग्रीन फ्लैग दिखा रहा हुआ है, जो कि ट्रेन अब डिपार्ट होने वाली है कटनी स्टेशन से। और फ्रेंड्स, अभी कटनी स्टेशन के व्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं कटनी में जितने भी चार स्टेशन पड़ते हैं उनकी चारों स्टेशन के बारे में जानकारी दूंगा। और फ्रेंड्स, कहाँ से डाइवर्ट होता है रूट, फ्रेंड्स कटनी जंक्शन से NKJ के लिए और कटनी साउथ के लिए, कटनी मुरवाड़ा के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे बने रहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कटनी जंक्शन, कटनी साउथ, NKJ न्यू कटनी और कटनी मुरवारा के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो ट्रेन हमारी भोपाल रीवा, रीवा भोपाल जो कि डिपार्ट हो गई है कटनी जंक्शन से। फ्रेंड्स, तो ये कटनी जंक्शन जो कि बॉम्बे रूट का एक काफ़ी बड़ा जंक्शन है फ्रेंड्स, और यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर हैं फ्रेंड्स। और आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि बस ट्रेन डिपार्ट हो ही रही है फ्रेंड्स। आप काफ़ी अच्छा आपको व्यू दिखा रहा होगा प्लेटफॉर्म का फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इस वीडियो पे आपको मैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि ट्रेन कहाँ से डाइवर्ट होती है, बिलासपुर रूट के लिए कहाँ से, बॉम्बे रूट के लिए कहाँ से, भोपाल रूट के लिए। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो पर आप आखिरी तक बने रहिए फ्रेंड्स। आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूर हो जाएगी कि फ्रेंड्स हमें किस स्टेशन पे जाना चाहिए, तो हमें इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए किस स्टेशन पर जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सारी पटरियाँ, काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं फ्रेंड्स। ये मैं एंड पॉइंट से आपको दिखा रहा हूँ कटनी जंक्शन, और आप सामने से देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रैक्स जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये कटनी मुड़वारा तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारी ट्रेन जो है ये कटनी मुड़वारा तरफ से जाएगी। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो पे इंडिकेशन भी दिखा रहा हूँ मैं लेफ़्ट साइड में। फ्रेंड्स, आप बिलासपुर रूट जो कि यहाँ पे न्यू कटनी जंक्शन NKJ, उधर से अपन बिलासपुर रूट पर जाते हैं फ्रेंड्स, शहडोल, उमरिया, बिलासपुर इधर से जाएंगे अपन। और फ्रंट साइड पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जबलपुर जो कि WCR का डिवीजन ऑफिस है फ्रेंड्स, वहाँ पर फ्रंट साइड पर अपन जबलपुर रूट से जाएँगे। और राइट साइड पर फ्रेंड्स आप कटनी मुरवारा पे जाएँगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको काफ़ी क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किधर से किधर जाएंगे। बस फिर रिपीट कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, लेफ़्ट साइड पे आप जो देख रहे हैं अभी जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, उधर से फ्रेंड्स आप न्यू कटनी जंक्शन की तरफ जाएंगे। और फ्रंट साइड जो कि आपको कुछ ही देर पर दिखेगा, पेड़ वगैरह के बाद दिखेगा फ्रेंड्स, यहाँ से आप जबलपुर तरफ जाएंगे फ्रेंड्स। और आपको ऐसा व्यू कभी बहुत कम ही दिखता होगा फ्रेंड्स कि रेलवे का एक ब्रिज है फ्रेंड्स, इसमें ना ऊपर से रेल ट्रेन चलती है फ्रेंड्स। ये भी आपको रेलवे ओवर ब्रिज आप देख सकते हैं सामने, और जो आपको ब्रिज दिख रहा है यहीं से फ्रेंड्स फ्रंट साइड से अपन जबलपुर तरफ जाते हैं, और राइट साइड से आपको बता ही चुका हूँ कटनी मुरवारा तरफ अपन जाते हैं। आपको भी छोटा सा ब्रिज दिख रहा होगा फ्रेंड्स, उधर से ही अपन की ट्रेन जबलपुर रूट तरफ जाती है। और अभी एक ट्रेन खड़ी हुई है फ्रेंड्स रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसको चौराहा भी कहा जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे चार स्टेशन से चारों तरफ चारों अलग अलग डायरेक्शन पे है, तो इसको अपन फ्रेंड्स चौराहा भी कह सकते हैं। आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ रेलवे ब्रिज, जो कि काफ़ी अच्छा, बहुत कम जगह इस तरह का ब्रिज देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो ट्रेन हमारी टर्न कर रही है कटनी मुरवारा की तरफ, और आप देख सकते हैं बस कटनी मुरवारा की तरफ ट्रेन टर्न कर चुकी है, और आपको कुछ ही देर में कटनी मुरवारा स्टेशन दिखने वाला है। और आप देख सकते हैं कटनी मुरवारा का आउटर है, और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेन वगैरह का स्टॉपेज भी है कटनी मुरवारा में, काफ़ी बड़ा जंक्शन है फ्रेंड्स। बस आपको कुछ ही देर में दिखने वाला है कटनी मुरवारा जंक्शन। और आप देख सकते हैं जो ट्रैक्स आ रहे हैं फ्रेंड, वो जो इधर के ट्रैक आपको सामने की तरफ दिख रहे हैं, ये फ्रेंड्स बिलासपुर ट्रैक है, मतलब बिलासपुर इसी ट्रैक से ट्रेन डायरेक्ट जाती है। पहले कटनी आती थी, इंजन चेंज होता था फ्रेंड्स, अब मैक्सिमम ट्रेनें यहीं से बिलासपुर की तरफ चली जाती है फ्रेंड्स। आप जो सामने ट्रैक देख रहे हैं ये फ्रेंड्स सीधे न्यू कटनी जंक्शन उधर पे जाके मिल जाता है फ्रेंड्स, और सीधे उमरिया, शहडोल, पेंड्रा रोड, अमरकंटक जो कि बिलासपुर होते हुए रायपुर तरफ जाता है, इधर से वेस्ट बंगाल भी जाता है फ्रेंड्स सिंगरौली तरफ, जैसे आपको जाना हो तो फ्रेंड्स यही रूट है। और आप देख सकते हैं ये आउटर है कटनी मुरवारा का, और आपके सामने कुछ घर वगैरह दिख रहे होंगे फ्रेंड्स अभी, और आप देख सकते हैं आपको सामने से कटनी मुरवारा का रैंप जो दिखाई दे रहा है, और ये कटनी मुरवारा प्लेटफॉर्म भी आपको कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टर्निंग पॉइंट, काफ़ी ट्रेन टर्न करती है फ्रेंड्स,
मतलब पूरा एक सेमी सर्कल फ्रेंड ट्रेन बना लेती है, तो पूरा घूमती फिर कटनी मुड़वार आती, काफ़ी स्लो चलती है यहाँ की ट्रेन फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। सब तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए जूम करूँगा थोड़ी देर की, अब आपको क्लियर दिखेगा कटनी मुड़वारा जंक्शन का नाम जो कि प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ट्रेन धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव कर रही है फ्रेंड्स आगे की तरफ, और ये ट्रेन है स्पेशल ट्रेन है, रीवा से भोपाल चलती है ये ट्रेन वीकली है फ्रेंड्स, सैटरडे को ट्रेन चलती है रीवा से और भोपाल जाती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं सागर जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो उस समय मुझे ये वीडियो बनाने को चुका कि काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, जिसको नहीं पता था फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुकी है ट्रेन कटनी मुड़वारा जंक्शन, जो कि अभी काफ़ी अभी डेवलपिंग है फ्रेंड्स, अभी डेवलप ज़्यादा नहीं हुआ है, जो कि अभी इसको डेवलप किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी ये इतना ज़्यादा है फेमस, बट अभी ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है ट्रेनों का, इसलिए फिर ट्रेन भी ज़्यादा नहीं है, तो प्लेटफॉर्म इसीलिए आपको खाली दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कटनी मुड़वारा जंक्शन का, काफ़ी खाली स्टेशन है, बहुत कम ही आपको पैसेंजर यहाँ पे दिखाई दे रहे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है कटनी मुड़वारा का, यहाँ पे भी टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी अपनी मैक्सिमम ट्रेनें यहाँ 2 और 3 पे ही आती हैं अप और डाउन की ट्रेनें। और ये आपको रैंप दिखता हुआ, रैंप और फोटोग्राफी भी इधर पे अवेलेबल है, काफ़ी सही है। ये आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस समय। और फ्रेंड्स आपको ये कुछ ऑफिस वगैरह है मुड़वारा स्टेशन पे, फ्रेंड्स आशा करता हूँ, होप है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा कहाँ से क्या रूट डाइवर्ट होता है। इसकी वीडियो देने के बाद भी आपको कोई भी परेशानी हो तो फ्रेंड्स पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करूँगा फ्रेंड्स। आप बस कुछ ही देर से कटनी मुड़वारा का प्लेटफॉर्म ख़त्म होने वाला है फ्रेंड्स, आपको मैं पूरा व्यू दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये देखिए फ्रेंड्स का लास्ट एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टेशन ख़त्म हो रहा है फ्रेंड्स, और कुछ आपको फ्री ट्रेन के इंजन वगैरह मैं इसमें दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा W87 फ्री ट्रेन का इंजन है। और देखिए काफ़ी सारे ट्रैक्स वगैरह हैं यहाँ पे, और भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरी जानकारी तो दिया हूँ फ्रेंड्स, और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी इंफॉर्मेशन मैं छोड़ दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और मैं सागर तक इस ट्रेन से जाऊंगा, तो फ्रेंड्स पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे के वीडियो में भी, आप सागर तक की जर्नी देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में अगले वीडियो पर आपको मैं सागर तक की अपनी जर्नी बताऊँगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स थैंक यू।